हाय दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ये देखिए, अमेजन से मैं कुछ नया चीज़ लाई हूँ जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है लेडीज़ के लिए बना पीरियड पेंटी, स्पेशल डे के लिए बना है, जो कपड़े का है। और छोटी बच्चियों के लिए जो नया नया पीरियड होता है, 10, 11, 12 या 13, 14 साल की जो लड़कियाँ होती हैं, जिनको नया नया पीरियड आते हैं और स्कूल जाने वाली लड़की होती है, तो उनके लिए पीरियड होना बहुत ज़्यादा बड़ा समस्या हो जाता है। क्योंकि स्कूल में जाकर होने से या घर में ही पीरियड होके स्कूल जाने से दिन भर मम्मियों को भी टेंशन, पेट अगर इधर उधर हिल गया है, पेट का कुछ वो हो गया है, लीकेज, साइड से लीकेज हो गया है, तो वो लोग चेंज करना भी नहीं जानती स्कूल में, तो खुद का ख्याल रखना नहीं जानती हैं। उन सभी बच्चियों की मम्मी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है और बहुत ज़्यादा डिमांड में बनाया है। ये देखिए, पेंटी ऐसा है कि यहाँ पर डबल स्टिच है, इधर बाहर से भी एक कपड़ा है और अंदर से भी कपड़ा है, और अंदर और बाहर का कपड़ा का बीच में जहाँ पे स्किन में टच नहीं होता, उसके अंदर एक प्लास्टिक जैसा कुछ चीज़ है जो कि थोड़ा, ये देखिए सुनिए इसका आवाज़ कैसा है, अंदर कुछ प्लास्टिक का जैसा चीज़ महसूस होता है, आवाज़ सुनाई देता है, जिसके कारण शायद लीकेज नहीं होता है। अभी ये मुझे किसी ने इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये मैंने लावोस करके एक कंपनी है उसका लाया हुआ है, मैंने जो यूज़ किया है तो वो लावोस है। तो मैंने पहले ही 2-4 ला के यूज़ करने के बाद, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद ये वीडियो मैंने बनाए हैं, ताकि आप लोगों को भी काम में आए, आप लोगों का भी परेशानी दूर हो बच्चियों का। ये मैंने 4 लाया है इस बार, तो इसका परीक्षा करके दिखाऊंगी मैं। अभी ये पेंटी पहनने के बाद, अभी मैं एकदम पेंटी पहना के भेजने के बाद मैं एकदम बेफिक्र होकर रहती हूँ घर में, और 4-5 घंटे 6 घंटे बच्ची स्कूल में रहती है स्पेशल डेज़ में, तो उन दिनों भी मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है कि बच्चे को हाँ सही चीज़ पहना के मैंने भेजा हुआ है, और कंफर्टेबली खेल सकती है, पढ़ाई कर सकती है, कूद सकती है। तो ये मैं अभी परीक्षा करके आपको दिखाऊँगी। ये रहा पानी, और ड्रॉपर ली हूँ मैं, और एकदम नया वाला जो पैकेट है उससे मैं अभी खोल के दिखाऊंगी आपको। ये पानी में उसमें डालूंगी, और कितना लीकेज होता है कि नहीं होता है वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पेंटी का अंदर का हिस्सा में मैं ड्रॉपर से पानी डालूंगी, 1, 2, 3, 4 ड्रॉप जितना भी हो उसमें डाल के उसको ड्रॉपर में पानी ले लिया है। अभी मैं डालूंगी, पहला तो चला ही गया क्योंकि ये नया है इसलिए। अब ये देखिए, यहाँ पे डालने से इधर थोड़ा एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। हाँ, ये अंदर घुस रहा है, और ये इसको अभी डाल के हाथ से भी एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, ऐसे हिला के उसको लगा के हाथों से, उंगलियों से दबाने से वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी, जो नया है इसलिए थोड़ा वो दिखा रहा है। इसका जो बीच का हिस्सा है उसमें से बिल्कुल लीक नहीं होता, साइड का जो रबर है उसमें अगर ब्लीडिंग होने से, उसमें अगर लगने से थोड़ा लीकेज होने का चांसेस है, लेकिन इसका जो बीच का जितना भी हिस्सा है एकदम आगे से एकदम पीछे तक कपड़ा स्टिच किया हुआ है। ये देखिए, पीछे बिल्कुल कोई लीकेज नहीं है, साइड में जो रबर में लगा हुआ है वहाँ पर लीकेज है देखिए, और ये पीछे तक एकदम शुरू से लेकर अंत तक इसका डबल स्टिच है। तो ये इसको और एक बार करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अच्छे से ये पीछे वाला जो हिस्सा है देखिए, हाँ इसमें भी मैं अभी पानी डाल देती हूँ यहाँ पे, और अच्छे से थोड़ा और ज़्यादा करके, क्योंकि पहन के बैठने से तो ये पीछे वाला भी लग सकता है या सोने से भी, तो ये मैं इसको अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब कराने का कोशिश करती हूँ, लगाती हूँ। तो पूरा पानी, जितना ड्रॉपर में पानी था, सारा का सारा पानी उसमें लग गया है। देखिए, लगने के बाद अभी इसको पीछे की तरफ से अभी देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पीछे बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, इसलिए मैं बिना टेंशन के रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे जैसे टेंशन फ्री होके रहें। और जिन्होंने भी मांगा हुआ है, ये वीडियो बनाने के लिए बोला है, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, और मुझे देखते रहने के लिए आप सभी को भी धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।